हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी टू वाला स्टडी में। दोस्तों आज मैं वीडियो लाया हूँ, इसमें बताऊंगा दोस्तों ग्राहम के विसरण का नियम, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 11 का टॉपिक भी है। तो शुरुआत करते हैं क्या ग्राहम का विसरण का नियम। सबसे पहले इसका हेडिंग देते हैं क्या ग्राहम के विसरण का नियम, बहुत अच्छा है। इसमें न्यूमेरिकल आपको कुछ बन जाएगा, इसका कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है। ग्राहम के विसरण का नियम या सिंपल से इसको ग्राहम का नियम भी कहा जाता है। और कुछ नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नाम लिख दिया हूँ। तो ग्राहम का विसरण, तो ग्राहम को जो विसरण का नियम है, एक ग्राहम नाम वैज्ञानिक ने दिए थे। अब ये बात है कि ग्राहम का नियम क्या है। तो ग्राहम का नियम दोस्तों क्या बताता है कि घनत्व में अंतर के कारण, घनत्व में अंतर के कारण गैसों को स्वतः मिश्रित होने की प्रक्रिया को ही विसरण कहा जाता है। तो ग्राहम का जो विसरण का जो नियम है, देखिए लिखा हूं क्या इसको, सबसे पहले इसका जो मेन इसका जो सिद्धांत वो लिख देता हूं। देखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार गैस के, गैस क्या होगा दोस्तों, विसरण, क्योंकि विसरण का नियम कहा जाता है। तो विसरण का जो दर होगा, विसरण का दर गैस के घनत्व, घनत्व सुनते हैं डेंसिटी, घनत्व के वर्गमूल यानी कि रूट हो जाएगा, वर्गमूल के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझे क्या बोल रहा है गैस का नियम? ये बोलता है कि इस नियम के अनुसार जो गैस का जो विसरण का दर होगा, समय होगा, टाइम, विसरण का जो दर होगा उसको क्या होगा, घनत्व, जो गैस का घनत्व होगा, कुछ डेंसिटी होगा, उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखिए इसका क्या, तो एक और जो नियम गैस का जो नियम है, ऐसे क्या लिख सकते हैं, विसरण का दर है, मैं लिख सकता हूं विसरण का दर, ये तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो वन हो जाएगा बटा में क्या घनत्व के वर्गमूल बोल रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा घनत्व। आप यहाँ दोस्तों विसरण का दर मान लीजिए, मैं विसरण का दर को आर मान लेता हूँ, ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा वन बटे घनत्व डेंसिटी, तो मैं इसको मान लेता हूँ रूट डी हो जाएगा, क्योंकि डी लीजिए। ये देखिए हमारा ये नियम आ गया, ऐसा को बोलेगा, ये दे दिया जाएगा व्यंजक, अब बोला कि नियम कौन सा नियम को दर्शाता है, बहुत सारे ऑप्शन आएगा, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, वाड्रो, ग्राहम, तो क्या मानेगा ग्राहम का नियम मानेगा। अब यहाँ देखो आर व्युत्क्रमानुपाती वन बटे रूट डी तो हो गया। एक और इसका कंसेप्ट है दोस्तों कि जो घनत्व, जो ग्राहम के विसरण का जो नियम किस किस कंडीशन में लगता है, तो जो लगता है कब, स्थिर ताप एवं स्थिर दाब पर। देखिए लिख देता हूं यहां पे, ये नोट कर लीजिए, यह नियम यानी कि कौन सा नियम, ग्राहम का विसरण का नियम, यह नियम स्थिर ताप, ताप रहेगा इसको नियत रहेगा, स्थिर ताप तथा स्थिर दाब पर लगाया जाता है। तो ये ग्राहम का जो विसरण का नियम है, स्थिर ताप एवं स्थिर दाब पर लगाया जाता है, ये आर व्युत्क्रमानुपाती वन बटे रूट डी होगा। अब मान लीजिए तो यहाँ तो एक गैस है, अब आज एक बताए जब व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है तो कोई तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा, मान लीजिए तो आप कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो कॉन्स्टेंट कुछ नहीं बताएगा, यहाँ पे देखिए कैसे लिखिए, ये तो एक गैस के लिए आ गया, तो यहाँ आर व्युत्क्रमानुपाती वन बटे रूट डी होगा। यानी इसका मतलब क्या समझते हैं, यदि आप घनत्व को मैंने चार गुना बढ़ा दीजिएगा, तो उसका जो किसका रहेगा, उसका विसरण का जो दर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि चार गुना, जैसे चार गुना बढ़ाए हैं क्या इसको, जैसे कि उसको चार गुना घनत्व को बढ़ा दिए हैं, तो वन बटे रूट हो जाएगा डी बराबर चार, यानी कि चार का गुण क्या निकलेगा वन, यानी कि उसका जो विसरण का दर हो गया आधा हो गया। ये तो एक गैस के लिए आ गया, मान लीजिए दो गैस रहेंगे, तो दो गैस के विसरण का दर तो एक आर वन हो जाएगा समानुपाती वन बटे रूट डी वन, ये क्या आ जाएगा आर टू वन बटे रूट डी टू। अब मान लीजिए दो गैस का चर्चा आ जाएगा, तो सबसे इसको दोनों का अनुपात कर दीजिए आर वन बटे आर टू बराबर में, यहाँ देखिए क्या जाएगा, एक आर वन बटे है तो आर वन तो है, एक डी वन यहाँ रूट नहीं और डी टू हो जाएगा, तो इसको अनुपात करिएगा तो डी टू ऊपर चला जाएगा, फिर जब नीचे भागा का भागना है तो ये ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी टू बटे में रूट डी वन। ये हमारा आगे कंसेप्ट, या इसी को, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर वन बटे आर टू बराबर ये क्या हो जाएगा रूट अंदर डी टू बटे डी, मैं दोनों को क्या कर दिया रूट कर दिया हूं, इससे क्या को फायदा हो, देखिए क्या हुआ, ये तो मैं इसको निकाल, इसको क्या रहेगा आपको एक गैस का दे देगा क्या आयतन दे देगा,
और एक गैस का विसरण दे देगा और दूसरा गैस का आयतन दे देगा, तो बोलेगा कि दूसरा गैस का विसरण का दर क्या होगा। तो आपने क्या करिएगा, जिसका वैल्यू देगा उसको मान लीजिएगा। जैसे देखिएगा क्वेश्चन में आता पॉलिटेक्निक वाले पूछे गए थे कि यदि दो गैस था, दो गैस का क्या दिया था, विसरण का अनुपात दिया था, क्या दिया था, विसरण के दर का अनुपात दे दिया था और बोला था कि उस गैस का घनत्व कितना होगा, घनत्व का अनुपात कितना होगा। तो आप कुछ नहीं करिए, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही एक ले लेता हूँ, आप बना सकते हैं। मान लीजिए कोई गैस ए है, गैस ए का घनत्व तथा गैस बी के घनत्व का मैं अनुपात दे रहा हूं, घनत्व का दोस्तों मैं अनुपात क्या दे रहा हूं दोस्तों, मान अनुपात में दे रहा हूं दोस्तों एक अनुपात दो हो। तो आपको क्या मैं बोल रहा हूं कि इनके, इन गैसों के विसरण का अनुपात क्या होगा, विसरण की दर बोल ही सकते हैं, विसरण की दर के अनुपात जगह कम हो जाए इसलिए मेरी दिल में बता देना हूँ क्योंकि आप यहाँ पे प्रश्न तब बना सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या गैस ए का घनत्व तथा गैस बी के घनत्व डेंसिटी का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 1:2 हो, तो इनके विसरण का दर का अनुपात तो होगा वाट लगाया। तो कुछ नहीं करना है, जो इसको दिया हुआ है घनत्व का अनुपात उसको जगह पर रख दीजिए। तो घनत्व के अनुपात है 1:2 दे दिया हुआ, यानी क्या क्या करेगा d2/d1 में 1:2 रखेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे ए का दिया हुआ है तो एक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे समानुपाती नहीं है, समानुपाती रहता तो इसको आप डायरेक्टली बना देते हैं √1:2 है √2 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 1:2 यहाँ पे दोनों अलग अलग है, उल्टा होता है। देखिए R1/R2 बराबर √n है, d1/d2 नहीं है, d2/d1 है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों R1 हो जाएगा बटन में R2 करना। देखिए यहाँ पे d2 तो d2 हो जाएगा दोस्तों, क्या दिया हुआ 2 दिया, क्योंकि b का घनत्व का दिया हुआ है, यहाँ 2 हो जाएगा बटन में क्या हो जाएगा 1, यानी क्या क्या निकालिएगा R1/R2 जो अनुपात आएगा √2:1 ये हमारा होगा। ऐसे दोस्तों बोलेगा भी आपको यदि किसी घनत्व का 1:2 है तो उसका उसे उल्टा करिएगा, हमें वर्गमूल लगाकर √2:√1। यदि मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मान लीजिए तो घनत्व का अनुपात तो यहाँ पे दिया, मान लीजिए संख्या में दिया रहता, जैसे दे दिया रहता क्या 32:2 रहता, तो 32:2 रहता तो 32:2 है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या 2 लिखा जाएगा 32, 2 से 32 का 16, 1:4 हो जाएगा, 4:1 नहीं होगा, उल्टा होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए विसरण का दर व्युत्क्रमानुपात की होता है, तो विसरण का दर व्युत्क्रमानुपात होगा मत घनत्व। तो इस जो नियम है, इस नियम के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल भी रहते हैं तो भी आप बना सकते हैं, और ये नियम ही जान लीजिए क्योंकि इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा है, हमारे वीडियो को जल्द से लाइक करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और उन्हें भी बताएं कि ऐसे यहाँ पे इस नियम होता है, उन्हें बताएं हमारे चैनल के बारे में, वहाँ पे जुड़ सकते हैं और भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल D2R Academy को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर रेड बटन दबाएं, और ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने आते रहे, और अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तो बेल आइकन को जल्द से प्रेस करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो सबसे पहले तक पहुंच सकेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो जय हिंद जय भारत।